जस पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का जी आया नूं मैं हां तुहाडे नाल हरकीरत सिंह आलूवालिया लैके हाजिर हाँ तुहाडा हरमन प्यारा शो अज का मुद्दा यूके ते यूरोप दे विच वसदे सारे वीअर्स नूं मेरी तरफों प्यार भरी सत श्री अकाल। दर्शकों इस प्रोग्राम के जरिए असी कोशिश करते हैं उन्हां मुद्दयां नूं तुहाडे सामने लैके आईए जो कि नैशनल अते इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के उत्ते मसले बने हैं और उन्हां गंभीर मसलों के उत्ते विचार वटांदरा कर सकीए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा अपने व्यूअर्स नूं जो कि साडे इस प्रोग्राम नूं इन्ना सत्कार करदे आ और इन्ना प्यार करदे आ और जिस करके इस प्रोग्राम दे विच असी उन्हां मसलियां दे उत्ते विचार वटांदरा करदे आ। कोशिश करदे आ कि असी उन्हां मसलियां दे उत्ते विचार करिए और उन्हां पैरोकारां दे कन्नां तक आवाज़ पहुँचाइए और इस प्रोग्राम दे जरिए मैनूं बहुत अच्छा लगदा कि जद तुसीं अपने विचार साडे नाल सांझा करदे हो और असी उन्हूं कोशिश करदे आ कि अपनी टीम दे कोल पहुँचाइए और कहिए कि यह सवाल तुसी जाके पुछो उन्हों पैरोकारा तो जो कि अपने आप नूं वख वख जमातां दे अहुदेदार कहाउंदे ने। लेकिन जद असी तुहाडे सामने मसले लैके आने हैं तो कदी कवार वो मसले वो होंदे हन जो कि सोशल मीडिया दे उत्ते भी वायरल होंदे हन और उन्हां दा अफवाहां दा जिहड़ा बाज़ार होंदा वह भी गर्म होंदा। लेकिन फिर साडी जिम्मेवारी बन जाती है कि असी उस खबर नूं ऑथेंटिकेट करके तुहाडे सामने लैके आईए और असी कोशिश करते हैं कि जिहड़ी निरपक्ष गल है वह हो सके और सब तो अच्छी गल है कि तुसी इस मुतलक मैनू बहुत बहुत सहयोग करते हो और बहुत खुशी होंदी है कि जब तुसी सहयोग करते हो और अपने निजी विचार मेरे नाल सांझा करते हो, चाहे वह गल धार्मिक होवे, चाहे वह गल राजनीतिक होवे, चाहे वह गल समाजिक होवे, लेकिन असी उन्हां मसलियां नूं जरूर तुहाडे सामने लैके आने क्योंकि वो बनते हैं मुद्दे और जब वो बन जाते हैं मुद्दे तो फिर साड़ी ही जिम्मेवारी है कि करिए फिर असी अज का मुद्दा। और जब असी अज के मुद्दे की गल करते हैं तो अज का मुद्दा भी बहुत गंभीर है और बहुत ही सोचण वाला है और इहदा कंकलूजन भी अज तुसी खुद आप ही कढोंगे। असी हमेशा वेखिया कि पिछले कई दहाकियां तो जेकर असी सिख कौम की गल करिए तो असी समझते हैं कि बहुत धक्का जिहा हो रहा, लेकिन उन्हां मसलों के उत्ते अज तक मैनूं दस दो एक भी कोई मसला दस दो। टीवी डिबेट तुसी वेखियां होणियां, अखबारां दे विच बाज़ारां दा जिहड़ी खबरां दा बाज़ार है वह गर्म तुसी वेखिया होना है, लेकिन तुसी वेख्या कि कदी उहदा निपटारा होया? कई गल्लां तां जुमले बन गए, कई गल्लां उन्हां सियासतदानां दे लई वोट बन गई और कई मसले कई मुद्दे उन्हां लोकां लई सिर्फ टाइम पास करन दे लई गल बन गई। लेकिन अज तक मैनूं यह समझ नहीं आता जिहड़े साडे वख वख जमातां दे अहुदेदार ने जिहड़े अपने आप नूं कहिंदे ने कि असी इस संस्था की पैरोकारी कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार वो इन्हां मसलियां दे उत्ते क्यों नहीं गंभीर होंदे और क्यों नहीं एक रोड मैप सामने लैके आते और ताकि दर्शकों नूं भी पता चल सके, तुहानूं भी पता चल सके और सानूं भी पता चल सके कि हाँ वाकई तुसी फिक्रमंद हो और तुसी सोच रहे हो अपनी कौम दे लई। और जेकर मैं पंजाब चले जावां तो पिछले कई दहाकियां तो समय समय दीआं सरकारां बदल गईआं, झंडे दे रंग बदल गए, पग्गा बदल गई, लेकिन अजे तक हालात नहीं बदले। मैं हमेशा तुहाडे प्रोग्राम दे विच लैके आना और तुसी भी बहुत अपना जिहड़ा दुख है मेरे सामने रख दिओ, लेकिन मैनूं दुख दे अलावा सब तो अच्छी गल लगदी कि जब तुसी इंप्लीमेंटेशन दे लई गल्लां रखदे हो कि हरकीरत एवें भी हो सकदा उत्थे जेकर असी चाहिए ते मैनूं समझ नहीं आता कि साडे जद बाहर बैठे साडे पंजाबी इन्ने समझदार ने ते जिहड़े पंजाब दे विच सियासतदान बैठे ने या फिर साडे पंजाबी बैठे ने क्यों नहीं समझते। और असी विचार वटांदरा करके अज गल कीती कल नूं भुल जाने आ, फिर कहिंदे जिवें जिस थां ते असी घोड़ी बन्नी सी उसे थां घोड़ी बन्नी हुई आ। मैनूं हमेशा एक सवाल मेरे जहन दे विच चलदा है, मैं उन्हां सियासतदानां तों पुछना चाहना कि जब तुसी वोट लैन आने हो और जब तुसी अपनी सरकार बनानी होंदी है तो इन्ने वड्डे वड्डे वादे क्यों करते हो जो तुसी निभा नहीं सकते, क्यों गुमराह करते हो?
क्यों साढ़े वोटरां नूं तुसीं गुमराह करके उन्हां तों वो वोट लै जांदे हो जो कि तुहानूं नहीं जानी चाहिए सी, शायद यह किसी होर नूं जांदी तां भला हो गया होंदा, लेकिन अज तां मैनूं यह भी लगता है कि जेकर यह वोट किसी होर दे कोल वी जाई होंदी तां शायद भला होंदा। असीं हमेशा लगातार पग दी गल करदे हां, अज मैं राजनीतिक गल्लां ना करके अज साडा जिहड़ा मुद्दा है वह थोड़ा जिहा धार्मिक है और थोड़ा जिहा सेंसिटिव भी है। धार्मिक इस करके है कि जब असीं पग दी गल करदे हां तो असीं यह सोचते हैं कि यह साडे सिर दा ताज है, सोचते कि है असीं मनदे हां कि साडा सिर दा ताज है और जिन्हें बनी होंदी है वह सोच जिन्हें बनी होंदी है वह तो समझदा कि मेरे सिर दा ताज है, जिन्हें नहीं बनी होंदी वह कहिंदा कि यह तो ताज है। और जब पग दी गल आ जाती है फिर आन बान शान जिहड़ी है वह फिर दाव ते लग जाती है, और जब आन बान शान दाव ते लग जाती है तो फिर असी असरदार हो जाने सरदार तो रिचार्ज, वो शक्ति वो एनर्जी अपने आप आ जाती है, क्योंकि यह उ पग है जिदे साडे गुरुआ ने अपना परिवार तो वारिया वारिया खुद आप अपने आप नू भी वार दिता। मैनू लगता है कि ये जेडे सेंटीमेंट्स ने जो कि साडे पग दे नाल जुड़े हुए ने विश्व भर दे विच हजे कई लोगों नू नहीं पता। और जब मैं विश्व भर की गल करदा तो उहदे विच बाहर दे मुल्क यानी कि अमरीका, कैनेडा, न्यूजीलैंड, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया कई लोग हैं इन्हां मुल्कां दे विच जिन्हां नू हजे पग बारे नहीं पता। लेकिन मैनू दुख इस गल दा हुंदा है कि जेकर मैनू यह कोई कहे कि भारत दे विच वसदे लोगों नू नहीं पता, और उस तो वड्डी गल तुहानू सुन के हैरानी होएगी कि पंजाब दे विच वसदे लोगों नू नहीं पता कि यह पग जो बनते हैं कौन ने। लेकिन आज जिस मुतलक मैं गल कर जावांगा और जिस मुतलक आज असी विचार वटांदरा करांगे वो है तो धार्मिक साड़ी कौम दे नाल जुड़िया होया, लेकिन किथे ना किथे जेकर मैं सेफ्टी नाल जोड़ांगा तो मैं कहांगा कि सेफ्टी लई यह साडे जिहड़े व्यूअर्स ने साडे जिहड़े सिख बुद्धिजीवी ने उन्हां नूं सोचना चाहिए। जेकर कोई सिख जेकर कोई सरदार टोपी पा लैंदा या फिर कैप पा लैंदा या फिर कुछ होर किसी चीज़ की वरतों करता तो असीं उन्हूं टोक तां दिंदे आ कि यार तू क्यों टोपी जी क्यों पाई हुई है, पग क्यों नहीं पाता, और असी उन्हूं समझाउण दी कोशिश भी करते हैं कि पग बनिया कर। लेकिन जेकर मैं तुहानूं कहां कि यह सेंटीमेंट्स भारत दे विच वसदे और खास तौर दे विच पंजाब दे विच वसदे और उस तो भी अलावा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ दे विच वसदे लोगों या फिर चंडीगढ़ दे विच वसदे अफसरां नूं इस बारे की महसूस होंदा तुसीं सुन के बहुत हैरान हो जाओगे कि हरकीरत केड़ियां गल्लां कर रहा। लेकिन मैं गल्लां नहीं कर रहा, मैं उस खबर दे उत्ते साडी टीम जिहड़ी है वह पैरा दे रही है और असी पैरा इस करके दे रहे हैं क्योंकि अज तुसी कंकलूजन कढ़ोगे। खबर जी चंडीगढ़ तो सामने आई है, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर अमित तलवार ने एक अमेंडमेंट प्रपोज किया है फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन इनक्लूडिंग सिख वुमेन हु आर नॉट वियरिंग टर्बन, जो दुमाला या फिर दस्तार नहीं सजाउंदियां उन्हां दे लई एक अमेंडमेंट लैके आया गया कि उन्हां नूं हुण हैलमेट पहनना पएगा, क्योंकि कहीं साडी भैणां साडी मातां
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੱਗ ਬੰਨਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਟਕਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਜਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਔਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਦ ਗੱਲ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਹਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਓ ਕੁਝ ਖੇਲੀਏ, ਔਰ ਖੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਪਕੜ ਪਕੜਾਈ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਕੜੂੰਗਾ ਔਰ ਪਕੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਊਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੌਣ ਇਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੌਣ ਇਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਏਗਾ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਉਸ ਪਾਰ।